assalamu Alaikum dear students. <coughs> uh, I welcome you in this offline class. My today's lesson is for 10th class. So today uh, I'll let you know about uh, uh, the passage, an unseen passage, and then the questions asked at the end, how to answer them. So, पेपर में आता है क्वेश्चन पेपर में आता है ज़रूरी आता है एक पैसेज तो जो कि आपको पढ़ना होता है समझना होता है और उसके बाद उसके आखिर में जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो उनके आंसर्स निकालने होते हैं इसी पैसेज में से तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पैसेज दिया जाता है उसको वी शुड रीड इट केयरफुली एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट Only then can we be able to answer the questions. तो यहाँ एक पैसेज मैंने निकाला है थोड़ा सा तो उसके बाद अगले लेक्चर्स में हम और भी करेंगे पैसेज जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं तो आज एक रैंडमली मैंने एक चूज़ किया है एक पैसेज तो ये देखिए मैं पढ़ूँगा इसको तो आप समझ जाएँगे किसके बारे में है ये हो सकता है कि आपको टाइटल भी देना पड़ेगा कई बार क्वेश्चन आता है गिव द टाइटल टू दिस पैसेज या फिर बाकी क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको देखिए वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर ए नंबर ऑफ डेज बट वी कॉन्ट डू विदाउट वाटर फॉर अ डे इवन वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ बट अनफॉर्चुनेटली वी आर वेस्टिंग एंड पोल्यूटिंग द सोर्स ऑफ दिस सोर्स ऑफ लाइफ विद द इनक्रीज ऑफ पॉपुलेशन the consumption of water is increasing but besides consuming we are wasting water we have disturbed the water cycle but we have we have cut down our forests water keeps evaporating into the air but we have no trees to bring it back as rain that's why the water level is sinking year after year we must conserve every drop of water and should not use it for wasteful purpose. तो पढ़ने के बाद, I think हमें ये समझ आ गया होगा कि what this passage is all about. इस passage का मैं किस चीज़ का जिक्र है? तो obviously वी कम टू कंक्लूजन दैट दिस मैसेज इज अबाउट वाटर सो अब कुछ क्वेश्चन हैं देखिए पहला क्वेश्चन है पीपल आर वेस्टिंग एंड पोल्यूटिंग दैश डैश ऑफ लाइफ अब हमने पढ़ा कि हम फूड के बगैर तो रह सकते हैं कई दिन तक लेकिन वॉटर के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि वाटर जो है यही दरअसल सोर्स ऑफ लाइफ है यही बेसिस ऑफ लाइफ है तो आ, अगर हम इस सवाल का जवाब देना चाहें सही जवाब तो पीपल आर वेस्टिंग एंड पॉल्यूटिंग द डैश डैश ऑफ लाइफ तो देखिए हमें यहां आंसर मिल जाएगा बट वी कॉट डू विदाउट वाटर फॉर डे देखिए वी आर वेस्टिंग एंड पॉल्यूटिंग द सोर्स ऑफ लाइफ तो यहां हमें निकला आंसर इसका आ,

आ, वापस आ, ला सकते हैं जो इवेप्यटेड वाटर है हमने पढ़ा है कि जब वाटर इवेप्यट हो जाता है तो ऊपर जाके ये ठंडा होके उसके ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो फिर वो आ, rain की सूरत में नीचे आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रीज हेल्प टू ब्रिंग बैक इवेप्यटेड वाटर एज रेन इवेपोरेटेड वाटर रेन की सूरत में वापस आता है तो अगर ट्रीज मौजूद होंगे तो ये वापस आता है नहीं तो ये आ, इसमें चला जाएगा वापस नहीं आएगा कंडेंसेशन इसकी नहीं हो जाएगी अब थर्ड वन है द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ इज डैश डैश सब जिंदगियों की चाहे पेड़ की जो भी जिंदा चीजें हैं लिविंग थिंग्स उनकी बुनियाद जो है वो है डैश डैश क्या है तो हमने पढ़ा वॉटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ सो द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ इज वॉटर हा इसी तरह से आवर फॉर मोस्ट ड्यूटी इज टू डैश डैश एवरी ड्रॉप ऑफ वॉटर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचाए इज टू डैश डैश एवरी ड्रॉप ऑफ वॉटर हर कोई एक एक कतरा बचाए तो उसको हम बचाने को यहां कहते हैं कंजर्व तो यहां आएगा कंजर्वेशन जो हम कहते हैं कंजर्व इज टू कंजर्व एवरी हमें पानी का एक एक कतरा बचाना चाहिए अगर हमें जिंदगी अगर जिंदगी को सस्टेन करना है तो इसके लिए हमें पानी को बचाना होगा कंजर्व करना होगा इसी तरह एक और क्वेश्चन है कटिंग ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट और फॉरेस्ट हैज डिस्टर्ब द किसको डिस्टर्ब किया है साइकिल को वाटर साइकिल ये देखिए यहाँ लिखा होगा वाटर साइकिल को इसका भी आंसर होगा यहाँ पे hmm. देखिए यहाँ है वी हैव डिस्टर्ब द वाटर साइकिल तो हमने वाटर साइकिल को डिस्टर्ब किया है वाटर साइकिल क्या होता है बारिश पड़ती है जमीन पे आ, फिर वो यही वाटर हीट के जरिए से इवापोरेट हो जाता है ऊपर जाके वो ठंडे एरिया में पहुंच के कंडेंसेशन हो जाती है उसकी उसके बाद फिर ज़मीन पर गिरती है तो एक साइकिल सा होता है ये इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं तो हमने जो कटिंग ऑफ ट्रीज के ज़रिए से या बाकी चीज़ों के ज़रिए से इस वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब किया है तो इन अगले लेक्चर्स में भी कुछ और मैं पैसेज आपको बुक में से ही दूँगा तो देखेंगे प्रीवियस एयर्स uh, में जो क्वेश्चन आए हैं इस uh, लिहाज से तो उनके हम देखेंगे उनका भी हम सॉल्यूशन uh, करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह थैंक यू